अभी जमाने में लोग बोलते हैं डॉक्टर बहुत बड़ा है, धर्म कुछ नहीं है, ये वो कुछ नहीं है, लेकिन हम अभी भी हमारे जो देवी देवताएं हैं उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं। वो अलग बात है कि कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपने हमारे साथ डिस्कस किए सर कि वो तुरंत ही प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। और एक बात भी एग्जाम्पल ये है कि हमारे न्यूट्रिशन हो या फिर डाइटिशियन हो, ये बोलते हैं कि शाम से पहले कुछ लाइट खाना खा लीजिए, उसी दिन कुछ हैवी नहीं खाना है, ये भी लिखा हुआ है। हम जब बात करते हैं उसको बोलते हैं ज्योतिष जो बोलता है हमें, उस दिन कुछ जो प्रेग्नेंट लेडी है, कुछ छोटे बच्चे हैं, कोई बीमारी हो तो वो खा सकता है। तो फिर आप सुनिए, भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस गैस ट्रेजेडी में कितने लोग मारे गए थे, जिस समय बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, उस गैस ट्रेजेडी में बहुत सारे लोग मारे गए और उसका अभी तक भी मामला चल रहा है, ठीक नहीं। उसी 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 फैक्ट्री के बगल में एक झोपड़ी थी और उस झोपड़ी को हमेशा गाय के गोबर से वो लिपाई करता था, वो पक्का नहीं था, कच्चा था गाय, और उसमें 7 परिवार मजदूर के रहते थे। उन 7 परिवार मजदूर जिंदा रहे, बाकी कोई जिंदा ही नहीं रहा। बाद में पता चला कि वो गाय के गोबर से रेडिएशन को रोक दिया, तो रेडिएशन जब इतना रोकता है तो सूर्य ग्रहण होने पर रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन से गर्भ में जो बच्चा है उसको भी नुकसान हो सकता है, हमको भी होता है। इसलिए अल्ट्रावायलेट किरणें जो है UV1, UV2, UV3 ये तीनों शाम को आते हैं, इसलिए शाम को हम दीपक जलाते हैं, येलो दीपक जलाते हैं। येलो दीपक इसलिए जलाते हैं कि रेडिएशन ब्लू है और ब्लू में जब येलो मिला देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा, हमारी बॉडी अल्ट्रावायलेट की जो नुकसान करने वाला हार्मफुल जो रेडिएशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा जब हम दीपक जलाएंगे। और दीपक से जब वो अल्ट्रावायलेट पेंट्रेट करेगी, तो उसकी रोशनी से जब पेंट्रेट करेगी तो वो अल्टीमेटली अल्ट्रावायलेट नहीं रहेगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ये भी साइंस है। तब बताना पड़ता है कि दीपक क्यों जलाना चाहिए शाम को। इसलिए हमारे यहाँ हर घर में शाम को दीपक जलता है, इतना बड़ा विज्ञान हमारे घर में छिपा है, अब नहीं जाने तो हम क्या करें। तो विज्ञान थोड़ा कम जानते हैं लोग और इसी के बारे में मुद्दे छेड़ते हैं और नहीं बोलते एग्जैक्टली साइंस क्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। साइंस कभी भी विरोध नहीं करता, साइंस इन सब चीजों का कभी भी विरोध नहीं करता। साइंस का काम विरोध नहीं करना है, साइंस का काम उसको प्रमाणित करना है। हम लोग उसको प्रमाणित करते हैं, लैब में प्रमाणित है कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट में वायलेट कलर होता है, अल्ट्रावायलेट आ रहा है, आप जानते हैं वायलेट में अगर येलो मिला दिया तो ग्रीन हो जाएगा कि नहीं, ग्रीन इज क्लोरोफिल। तो आप डॉक्टर एप्रेन पहनता है, ग्रीन पहनता है, आपका वेजिटेबल में ग्रीन का सिंबल होता है, ग्रीन आपके लाइफ है, आप वनस्पति जितना खा रहे हैं सब ग्रीन है, ग्रीन वेजिटेबल है, इसलिए बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल खाइए, तो वो क्लोरोफिल है। तो क्लोरोफिल आएगा तो अल्ट्रावायलेट का जो नुकसान करने वाला रेडिएशन है जिसको विकिरण कहते हैं, वो विकिरण नलीफाइड हो जाएगा और वो UV1, UV2, अल्ट्रावायलेट 1, अल्ट्रावायलेट 2, अल्ट्रावायलेट 3 ये शाम को 6 बजे से लेके 7:45 तक रहता है। और इसलिए उसी समय आप देखिए कि हमारे घर में गाँव में हर जगह, जो मेट्रोपोलिटन सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ भी कुछ लोग हैं, अदरवाइज जो रिमोट एरिया है गाँव में, आप देखिए शाम को सब दीपक आते हैं और तिल का दीपक जल, वो उनको नहीं मालूम है, वो दे डोंट नो विज्ञान, वो क्योंकि परंपरा से हमारे यहाँ ज्ञान इतना था कि सबको बता दिया गया था कि ऐसा आप करेंगे, क्वेश्चन कोई नहीं करता था, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास होता था कि गुरु ने अगर बोला है तो इसका पीछे कोई वैज्ञानिक कारण होगा। जब ये मुद्दा सामने आता है, ये कह सकते परिपूरक है धर्म और विज्ञान, 2 साइड ऑफ ए कॉइन। देखिए विज्ञान धर्म के बिना अधूरा है, धर्म विज्ञान के बगैर अधूरा नहीं है, धर्म अपने आप में कंप्लीट है, परिपूरक नहीं है धर्म। रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन बहुत नुकसान करता है, धर्म जो हम लोग धारण करते हैं, जो हम लोग स्वभाव है हमारा, वो धर्म जो है, जो जिसको स्पिरिचुअलिटी कहा गया है, वो परिपूरक नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। विज्ञान हमेशा, जब तक आइंस्टीन विज्ञान को मानने वाला, आइंस्टीन से बड़ा कोई नहीं है, जब भी आइंस्टीन अपने लास्ट स्टेज में जाकर उसने गॉड पर बिलीव किया,
आप मेरी बात सुनिए, उसने गॉड पर बिलीव किया। जितने भी साइंटिस्ट हैं जब अपने अपर लेवल पर पहुंच जाते हैं, स्टीफन हॉकिंस, उसने कहा कि गॉड कहीं नहीं है, सब ग्रेविटेशन कर रहा है, लेकिन लास्ट स्टेज में पहुंच के उसने कहा गॉड इज ओनली, देयर इज ओनली अथॉरिटी, कंट्रोलिंग अथॉरिटी, एंड दैट इज गॉड। तो जो ग्रेटेस्ट डिजाइन की जो उसने किताब लिखी थी, उस किताब में उसने ग्रेविटेशन की बात करी कि ग्रेविटेशन से सब कुछ होता है, कोई गॉड नहीं है, देयर इज नो गॉड एट ऑल, और वो भी लास्ट स्टेज में जाकर बोलता है देयर इज अ गॉड एंड ही इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो साइंस का आदमी जब टॉप में जाएगा तो वो इस नहीं, तब वो गॉड नहीं, तब वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, और जब स्पिरिचुअल हो जाएगा तो धर्म पर आधारित हो जाएगा। इसलिए साइंस का अगला स्टेज जो है वो धर्म है, इसलिए धर्म अपने आप में परिपूर्ण है और साइंस बगैर धर्म के अधूरा है, और जब साइंस धर्म के बगैर होता है तो नुकसान पहुंचाता है, ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाता है। जब साइंस धर्म के साथ जुड़ जाता है तो मानवता की रक्षा करता है, यही है वास्तविक।